स्प्लिट्स फ्लॉप 15 के अपकमिंग एपिसोड में बैक टू बैक काफी एलिमिनेशन होंगे। चलिए जानते हैं फुल डिटेल्स। अपकमिंग डोम में ना इशिता एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि उसका अभी विला में किसी से भी कनेक्शन नहीं है और ना ही वो किसी ग्रुप की पार्ट है। स्टार्टिंग से इशिता इंडिविजुअली खेली है और हर डोम में ना इशिता ने हमेशा दिग्विजय को ही सपोर्ट किया है, इसीलिए सिवेत का ग्रुप इशिता को ट्राई कर सकता है टू एलिमिनेट हर। अभी ना स्प्लिट्सविला के 6 से 8 एपिसोड ही बाकी है टू बी टेलीकास्ट और कंटेस्टेंट बहुत सारे हैं। काफ़ी लोग डोम से एलिमिनेट होंगे और काफ़ी लोग तो टास्क लोकेशन से ही एलिमिनेट होंगे। अगर वो टास्क हार जाते हैं तो सीधा टास्क लोकेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। सचिन, अनिकेत एंड डेकिला ये लोग टास्क हारने के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे टास्क लोकेशन से सीधा घर। सिवेत को भी काफ़ी लोग ट्राई करेंगे टू एलिमिनेट, बट वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगे। वो सेमीफिनाली टास्क हारने के बाद एलिमिनेट होंगे, उन्हें कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से स्प्लिट्सविला 15 से बाहर हो जाएंगे। चाय पे चर्चा वाले टास्क के बाद विला के डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे और दोस्तियाँ भी टूटेगी, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि कौन किसका कितना सगा है और जो मुंह पे दोस्त दोस्त भाई भाई बोलते थे उनका रियल रूप क्या है। हर्ष को सभी लोग अब टारगेट करेंगे, स्पेशली सिवेत, एडी एंड जशवंत, क्योंकि आज के एपिसोड में उर्फी ने रिवील किया था कि हर्ष इन लोगों को दुश्मन मानता है। इसी पे एडी ने हर्ष को बोला कि दुश्मनी अब मैं बताता हूँ कि दुश्मनी कैसे निभाया जाता है। स्प्लिट्सविला 15 के आपके फेवरेट कपल कौन है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।